नमस्कार, ये मुजफ्फरपुर का SKMCH पोस्टमार्टम हाउस है। इन दिनों सड़क पर मौत नाच रही है, जिसका गवाह बना ये SKMCH का पोस्टमार्टम हाउस है। हर दिन सड़क दुर्घटनाएं में 3 से 4 लोगों की मौत होना तय हो गया है। पिछले विगत 2 माह से यह दुर्घटनाएं में बेतहाशा वृद्धि हो गई है, जिसके कारण कई घर उजड़ गए हैं। यहाँ पोस्टमार्टम के लिए हर थाने से सब पहुँचता है। सड़क हादसे के शिकार होकर के लोग आते हैं, इनकी उम्र भी 20 से 30 35 के होते हैं। इसके बावजूद भी लोग सतर्कता नहीं बरतते हैं। आइए, इसका क्या कारण है, इस संबंध में अब हम बात करने चलते हैं FMT विभागाध्यक्ष डॉक्टर विपिन कुमार से। प्रत्येक दिन कितने सब पोस्टमार्टम के आते हैं और उसमें कितने सड़क दुर्घटना के होते हैं और उनकी क्या उम्र होती है और इसका क्या मुख्य कारण है? मैं डॉक्टर विपिन कुमार, FMT विभाग सिटीजन चिकित्सा महाविद्यालय का विभागाध्यक्ष हूँ। पिछले 1.5-2 महीने से औसतन प्रतिदिन 8 से 10 पोस्टमार्टम के लिए मृतकों का शव आते हैं विभिन्न थानों के द्वारा, जिसमें आधे शव सड़क दुर्घटना के ही होते हैं। पिछले 2 महीने से सड़क दुर्घटना में होने वाले मृत्यु की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। इन मृतकों में इनकी उम्र 18 से 40 साल के लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा रहती है और 40 साल से ऊपर वाले लोगों की संख्या कुछ कम रहती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सब कुछ इतने विकसित होने के बाद सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु इस कदर से हो रही है दुर्घटना के फलस्वरूप। मेरे जानकारी के हिसाब से, मेरे विचार से, इन दुर्घटना में मृत्यु होने का मुख्य कारण 2 पहिए या 4 पहिए वाहन चालक जो हैं वो ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं। जो नियम बनाया गया है कि सड़क पर चलने के लिए, ड्राइव करने के लिए कौन सा नियम और कौन सा तरीका अपनाया जाए, उसको ये लोग इग्नोर करते हैं, जिसके फलस्वरूप दुर्घटना होती है। मतलब प्रत्येक दिन ऐसा माना जा सकता है कि 3 से 4 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना के कारण होती है? हाँ, ये माना जा सकता है प्रत्येक दिन। अब जैसे कल सिर्फ 4 पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें 2 सड़क दुर्घटना था। चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया, ट्रैफिक नियमों का पालन बिल्कुल नहीं किया जाता है उन लोगों के द्वारा, जिसके फलस्वरूप दुर्घटना कारित होती है। हाँ, आप उपी प्रभारी विजय प्रसाद जी हैं, आप जरा बताएं कि इन दिनों कौन सा दुर्घटना ज्यादा घटित हो रही है? आज के डेट में हमको लगता है कि वाहन दुर्घटना में काफ़ी वृद्धि हुई है। लोगों की थोड़ी थोड़ी लापरवाही की वजह से अक्सर हम देख रहे हैं कि 2-3 महीना से वाहन दुर्घटना काफ़ी वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से SKCMH में इंक्वेस्ट बनाते समय, प्रतिदान लेते समय अक्सर 20 साल 22 साल के लड़कों का इंक्वेस्ट जब मैं बनाता हूँ तो ऐसा लगता है कि रूह कांप जा रहा है कि यही ये भी कोई ज़िंदगी है जो 20 साल 22 साल में ही अपना जीवन खो देना है। थोड़ी थोड़ी लापरवाही की वजह से अक्सर ही होता है। कल भी हमने लगभग 6 आधा दर्जन के आसपास में इंक्वेस्ट बनाए थे। काफ़ी 2-3 महीना में काफ़ी वृद्धि हुई है। वाहन दुर्घटना ही सबसे ये है जिसकी वजह से लगभग एक अनुमान के तहत बताएं जो कि सर 2 महीने में कितने लोगों की मौत हुई हो। जैसे कल 6 बनाए थे, 4-5, 4-5-6 लगभग तो पड़े हो ही जा रहा है। कई जिलों से आता है लोग, यहाँ पे भर्ती होते हैं लोग, जिसमें वाहन दुर्घटना ही सबसे सर्वाधिक रहता है। अपंगता के भी शिकार लोग होते होंगे इसमें? उसमें तो मैंने परिजन लोग का दुखी हालत देख करके, अब 20 साल 22 साल में जिसका बेटा अगर चला जाए, उसके माता पिता के ऊपर क्या पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, हमको भी हाथ कांपने लगता है कि क्या 20-22 साल के लड़का का इंटरेस्ट जरूरी है। लेकिन करे तो क्या करे,
घटना हुआ है, बनाना तो है। आम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।